हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडु केयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम के आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडु केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने दूसरा चैनल भी खोला है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज, जहां आपको चैलेंजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स द सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको सॉल्यूशन बताना है। तो ये वाला है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द एस्टेरॉइड्स हैज फॉलन आउट ऑफ इट्स प्लेस इन द एस्टेरॉइड बेल्ट एंड इज हर्टलिंग टुवर्ड्स द सन। अर्थ इज इन इट्स वे एंड देयर इज ऑल लाइक्लीहुड्स ऑफ अ कॉलिशन। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस कॉलिशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, द फर्स्ट एक्ट टू सेव द अर्थ कैन बी अटैकिंग द एस्टेरॉइड विद द हेल्प ऑफ मिसाइल। A missile can break an asteroid into smaller pieces. The second way is to change the path of an advancing asteroid. For changing the path of the asteroid, spaceship or missile can be used to push the asteroid aside. तो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट व्हाट्स द सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी देख लिया, आंसर भी देख लिया। अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूज योर ब्रेन पावर। आपको अपना ब्रेन पावर यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू आवर सोलर सिस्टम इफ द सन वेयर टू सडनली डिसअपीयर। इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। और फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा, द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट वुड बी कम टू हेल्ट। थर्ड है एचएलटी हेल्थ। थर्ड है हमारा, थर्ड पॉइंट, ऑल द प्लांट्स विल डाई एज दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ऑल द प्लैनेट्स वुड स्टॉप रिवॉल्विंग। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा, सपोज यू वांट टू गिव योर एड्रेस टू अ फ्रेंड टू यू यू हैव ऑन द प्लैनेट मार्स। हाउ विल यू राइट योर एड्रेस इफ यू वांट देम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू लिव। आंसर, इफ यू वांट टू गिव योर एड्रेस टू अ पर्सन हु लिव्स ऑन मार्स, then you would inform him her to visit the planet which is the third towards sun in the solar system. The planet is next to your planet and has one satellite moon in its orbit. So friends, third question hai hamara, in the picture below correct the sequences of the planets from the sun. तो आपके टेक्सटबुक के ही ये क्वेश्चन आंसर्स है। तो आपके टेक्सटबुक में एक्सरसाइज का जो पार्ट है लेसन होने के बाद, उधर आपको एक पिक्चर दिया गया है। तो जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस है सन के हिसाब से, वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग सीक्वेंस क्या है और राइट सीक्वेंस क्या है वो आपको बताना है। तो रॉन्ग सीक्वेंस इधर दिया गया है और अभी राइट सीक्वेंस दिया गया है। इसका आंसर है द रॉन्ग सीक्वेंस इन द पिक्चर। तो पिक्चर में कैसे रॉन्ग सीक्वेंस दिया गया, पहले मर्क्यूरी दिया गया, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर अर्थ, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून। इसका करेक्ट सीक्वेंस आएगा फ्रेंड्स, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी मर्क्यूरी पहले आना चाहिए, फिर वीनस पहले आना चाहिए, फिर अर्थ आना चाहिए, फिर मार्स आना चाहिए, फिर जुपिटर आना चाहिए, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में नेपट्यून। सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु एम आई। फर्स्ट है हमारा, हु यू कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइटेड पार्ट ऑफ मी दैट यू सी चेंजेस एवरी डे। इसका आंसर है मून। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, आई हैव माय ओन लाइट, इट इज ओनली फ्रॉम मी दैट द प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट। इसका आंसर है सन। ए हमारा, आई टर्न अराउंड माय सेल्फ अराउंड अ प्लैनेट एंड आल्सो अ स्टार एंड अराउंड अ स्टार। इसका आंसर है सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स, डी है हमारा, आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। इसका आंसर है प्लैनेट। ई हमारा, नो अदर प्लैनेट हैज अ लिविंग वर्ल्ड लाइक माइन। इसका आंसर है अर्थ। एफ है फ्रेंड्स हमारा, आई एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इसका आंसर है सन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, ए
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट पर्पस आर रॉकेट्स यूज्ड इन स्पेस ट्रैवल। आंसर, स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट इन आउटर स्पेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज थाउजेंड्स ऑफ टन इन वेट। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू बर्निंग ऑफ एम्पल क्वांटिटी फ्यूल प्रेजेंट इन द रॉकेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैनमेड सैटेलाइट प्रोवाइड्स। इसका आंसर है, मैनमेड सैटेलाइट प्रोवाइड्स ए यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। सच इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू मेक मैप्स। मैनमेड सैटेलाइट आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। तो इसका आंसर है लाइट। स्टार्स हैव देयर ओन डैश। इसका आंसर है लाइट। सेकंड है हमारा, द मून इज कॉल्ड द डैश ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है सैटेलाइट। द मून इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और अभी फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स डैश। इसका आंसर है रिवॉल्यूशन। Fourth, due to the earth's dash, all the living things on earth remain on it. इसका आंसर है gravity. Fifth है, Pluto is a dash planet. इसका आंसर है, Pluto is a dash planet. तो इसका आंसर है, Pluto is a dwarf planet. तो friends, question number 7 है हमारा, answer the following question in one sentence. First question है हमारा, which is the star nearest to the earth? इसका आंसर है, the sun is the star nearest to the earth. तो friends, second question हमारा, how do the heavenly bodies exert a force of attraction on each other? Answer, heavenly bodies exert a force of attraction due to the force of gravity. तो friends, third question हमारा, what is space? Question mark. Answer, space is the emptiness between and beyond the stars and planets. Fourth हमारा, what is an orbit? Answer, an orbit is the specific path on which the planets move around the sun. So friends, fifth question हमारा, why can't we see stars during the daytime? Answer, during daytime there is bright light of the sun, hence we cannot see the stars. तो friends, ये जो chapter था हमारा, आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम, स्टैंडर्ड फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 का। तो फ्रेंड्स, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे हमने दे दिए हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडियो केयर।